दोस्तों, अगर आपको इस एड शो देखना पसंद है और आप सीएड के इंस्पेक्टर दया यानी कि दयानंद शेट्टी को देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एफएम पिक्सेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल आइकन यानी कि जो घंटी का बटन है उसको भी दबा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंस्पेक्टर दया यानी कि दयानंद शेट्टी के रियल लाइफ के बारे में, जिसके बारे में शायद ही आप लोग जानते होंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर दिखेगा दोस्तों, अगर आप दया के सच्चे फैन हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंस्पेक्टर दया के बारे में, तो वो सीआईडी से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। जब सीआईडी शुरू हुई थी तब से वो सीआईडी के साथ ही है। दयानंद ने एक खिलाड़ी के रूप में अपना करियर शुरू किया और वो शॉट पुट और डिस्कस थ्रो खेला करते थे और इसके लिए उन्होंने कई पुरस्कार भी जीते थे। लेकिन दोस्तों, बाद में पैर की चोट के कारण उन्होंने खेल छोड़ दिया और उन्होंने मॉडलिंग में अपना करियर जो है वो आजमाया। 2002 में उन्हें भारतीय टेलीविज़न द्वारा सर्वश्रेष्ठ दिखने वाला लड़के के रूप में वोट भी दिया गया था। वो सीआईडी दरवाज़ा सीआईडी में उनका जो डायलॉग है दरवाज़ा तोड़ दिया, और जो एसीपी इसको जिस तरह से बोलते हैं उसके लिए वो काफ़ी फेमस है। और आपको बता दूं कि सीआईडी में अभिनय करने वाले इंस्पेक्टर अभिजीत यानी कि आदित्य श्रीवास्तव वास्तविक जीवन में भी उनके सबसे अच्छे फ्रेंड है यानी कि उनके बेस्ट फ्रेंड है। 2010 में दोस्तों उन्होंने झलक दिखला जा 4 में भाग लिया था और 2014 में उनको खतरों के खिलाड़ी 5 में भी भाग लेने का मौका मिला था। इसके अलावा दोस्तों, वो अजय देवगन के साथ सिंगम 2 में भी नजर आए थे। और अगर उनके पिता के बारे में बात करूं तो उनके पिता का नाम है चंद्र प्रकाश शेट्टी और उनके माँ का नाम है उमा शेट्टी। अगर दोस्तों उनके फैमिली के बारे में बात करूं तो उनकी जो पत्नी है उनका नाम है स्मिता शेट्टी और उनकी जो एक बेटी है उनका नाम है चिरायु शेट्टी। इंस्पेक्टर दया बेसिकली मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और वो मुंबई में ही रह रहे हैं। और उनका जो कॉलेज था वो था रिजवी कॉलेज ऑफ आर्ट्स, उसके बाद साइंस एंड कॉमर्स मुंबई। तो रिजवी कॉलेज में उनकी जो पढ़ाई है वो पूरी हुई और अभी वो सीआईडी में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इंस्पेक्टर दया आपको आप कितना पसंद करते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।